कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही एक सिंपल सी कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये कढ़ाई आपने अमूमन खाई होगी, बट कढ़ाई वालों के पास तो उनके साथ उनकी रेसिपी से ही ये रेसिपी मिलती जुलती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में मैंने डाल दिया ऑयल। ऑयल के साथ यहाँ पर मैंने चॉप कर ली थी जिंजर एंड गार्लिक को, ये मैंने डाल दिया। इसको हम करेंगे 2 to 3 minutes के लिए फ्राई। गार्लिक हमारा फ्राई हो चुके हैं, तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी चिकन के पीसेस। इसके बाद चिकन को हम फ्राई करेंगे जिंजर और गार्लिक के पेस्ट के साथ, इसका कलर नहीं चेंज हो जाता। कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, अच्छे से फ्राई हो गया जिंजर गार्लिक के पेस्ट के साथ। अब मैं इसमें स्पाइसेस डालूंगी, बहुत ही कम और सिंपल स्पाइसेस के साथ ही कढ़ाई बनाई जाती है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ऑरेंज के पेस्ट और इसके साथ हम डालेंगे इसमें वाइट जीरा। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे रेड चिली पाउडर, ये भी अकॉर्डिंग से जैसे कि जितना आपको स्पाइसी अच्छा लगता है उस हिसाब से आप डाल लें। इन सब चीज़ों को हम कर लेंगे मिक्स। सारे स्पाइसी हमारे मिक्स हो चुके हैं। अब मैं यहाँ में ऐड करने लगी हूँ टमाटर। टमाटर को मैंने पेस्ट कर लिया था, ग्राइंड कर लिया है, तो मैं टमाटर का डाल रही हूँ पेस्ट। टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद मैं फ्लेम को कर दूँगी मीडियम पे और इसको हम कवर करके कुक करेंगे जब तक चिकन अच्छा सा कुक नहीं हो जाता टमाटर के पेस्ट के साथ। चिकन हमारा टमाटर के मिक्सचर के साथ ऐसा कुक हो रहा है। इस स्टेज पे मैं ऐड करूँगी ग्रीन चिलीज जो मैंने कट करके रखी थी, इसको हम करेंगे मिक्स। और दोबारा से ढककर फिर से छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए। ये हमारी चिकन कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ऑयल सरफेस पे आ चुका है। तो अब मैं लास्ट में इस पे ऊपर ऐड करूँगी हरा धनिया और इसके बाद हम इसको करेंगे डिश आउट। ये बहुत ही कम टाइम में और आसानी से बनने वाली चिकन कढ़ाई है। इस रेसिपी को प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, हमें फीडबैक दीजिएगा आप लोगों को हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तो मैं इसमें डाल दूँ धनिया एंड देन इसको डिश आउट कर। कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आई होप आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो अपने घर वालों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करके बताएं, हमें अपना फीडबैक दीजिएगा। दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।